आपके अपने चैनल, आपके अपने शो एक मुलाकात में मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मंजू वालिया आपका अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे उन लोगों के को सुबह का अभिवादन करना जो मेरे समक्ष नहीं है पर मेरे दिल के बहुत करीब हैं। थोड़ा लेट शुरू हुआ शो, इसके लिए माफी चाहते हैं, पर कोई बात नहीं, जिंदगी है, ऊपर नीचे चलता रहता है। और आज हम आपको फिर लेके चलते हैं सपनों की नगरी मुंबई में, जहाँ एक यंग बॉय आता है हीरो बनने के सपने लेकर। अभी आज तक हमने आपको मिला है हीरो से, हीरो करेक्टर से, तो आज हम आपको मिलाते हैं विलन करेक्टर से, जो देखने में बड़े क्रूअल लगते हैं पर दिल से बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे, हमें अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं, ना देरी नहीं करते, और मिलते हैं देव गिल जी से। नमस्कार देव जी। नमस्कार। नमस्ते, सत श्री अकाल आपको। और सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को सॉरी कहना चाहता हूँ, बिकॉज मैं आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम बॉम्बे एंड आई जस्ट फिनिश्ड माई शॉट एंड देन आई हैड इनॉग्रेशन टूडे एंड दैट टुक मी सम टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। सो दैट इज द रीजन वी आर लेट, या 10 मिनट लेट हुआ है। तो आपके जितने चाहने वाले ये जो चैनल रोज सुबह उठकर देखते हैं, उन सभी लोगों को दिल से मेरे तरफ से आई वांट टू टेल देम आई एम सॉरी। बट मैम, इट्स सो नाइस टू सी यू, सो मच एनर्जी इन यू एंड सो गॉर्जियस। यू नो, थैंक यू। पीपल लाइक यू इंस्पायर अस एंड कीप अस गोइंग, दैट इफ यू कैन डू इट वी नीड टू डू इट मोर एंड मोर। जी, जिंदगी कहती है थोड़ा सा संजीदा हो जाए, पर दिल कहता है थोड़ी सी गुस्ताखियां और कर ली हाँ जाए। जी, तो देव जी, जैसा हम चाहते हैं, हम और हमारे दर्शक चाहते हैं आपसे आपके बारे में कुछ जानना, आपकी कहानी आपकी जुबान से। मैम, मेरा जन्म पूना में हुआ है। जी पूना में एक छोटा सा शहर है औंध करके, जी और मेरा आई एम सॉरी मेरा स्कूलिंग एंड एवरीथिंग हैज हैपेंड इन पूना। आई एम जी फ्रॉम लॉयला हाई स्कूल, नाम सुना है या नहीं? सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम सिम्बॉयसिस। जी और मेरी जर्नी जैसे लोगों ने फिल्मों में देखा है, मेरी कहानी भी एक इट्स लाइक टुडे व्हेन आई लुक बैक, जी ये जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और आई वाज अ टेनिस प्लेयर इन माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज। आई वाज इन टॉप 5 जी एंड आई वाज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। मैं थोड़ा पंजाबी, हिंदी, और यू वांट मी टू ओनली स्पीक इन हिंदी? और जी 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 हिंदी इज फाइन, इंग्लिश फाइन, नो प्रॉब्लम, हिंदी इज फाइन। हाँ जी, तो माय जर्नी वाज लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी चाइल्ड। आई हैव बीन ग्रोन अप, माई फादर वॉज अ टिपिकल फौजी एंड ही फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, ही केम एंड मेड इट वेरी बिग इन पूना। जी एंड माई डैड हैज ऑलवेज वॉन्टेड दैट हिज सन शुड बी नॉट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। जी वो फौजी का जो उनका एटीट्यूड है, जो उनके अंदर हाँ, फौजी। जी तो मेरे पिताजी ने हमेशा एक चीज कही थी, जी बेटा जिंदगी में आप आए हो तो डोंट गेट इनटू अ नॉर्मल रूटीन। सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, खाएंगे, जी 80 साल के हो जाएंगे, मर जाएंगे, डू समथिंग जी एटलीस्ट 100 करोड़ में, 100 करोड़ में नाम बनाओ, 100 करोड़ में नहीं तो एटलीस्ट 100 लोगों में, 100 लोगों में नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारी सोसाइटी में, सोसाइटी में नहीं तो एटलीस्ट अपने घर पे। अगर जी सोच अगर आप ऐसे रखेंगे कि हाँ, मैं मेरा जो छोटा सा मोहल्ला है, मैं यहाँ पे नाम बनाऊंगा या बनाने का सोचूंगा, तो ही हम जाकर दुनिया में नाम बना सकते हैं। पर जी मेरे उस वक्त ऐसे कोई विचार नहीं थे। एज जी अ चाइल्ड आई कुडंट रिलेट टू माई फादर। तो जी उन्होंने एक दिन मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठा के मेरे गेट के बाहर फेंक दिया। बोला कि बेटा, जिस दिन एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई वांटेड टू गो टू गोवा।
मुझे गोवा जाना था फ्लाइट से, तो मैंने डैडी को, दिस इज इन 99, मैंने डैडी को बोला कि मुझे 7,000 रुपया टिकट चाहिए। एंड बीइंग फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, माय फादर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मैन, तो उन्होंने कहा ओनली वन थिंग, यू वांट टू गो टू गोवा इन फ्लाइट विथ योर फ्रेंड्स, ओके फाइन, कम नियर द गेट, वी ओपन द गेट एंड देयर्स अ चौक, ही सेड स्टैंड हियर, आई वेंट एंड आई स्टूड इन द चौक फॉर 5 मिनट्स, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट माय डैड वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी, आफ्टर 7 मिनट्स माय फादर सेड प्लीज कम हियर, आई वेंट एंड फ्रॉम माय गेट ही वेंट वॉकिंग एंड ही स्टूड देयर, व्हेन ही स्टूड देयर हूएवर वर पासिंग दे स्टूड एंड सेड गिल साहब सत श्री अकाल नमस्ते, जो भी आ रहा था 5-10 मिनट बात कर रहे कर रहे कर रहे, एंड आई कुडंट रिलेट एनी थिंग वॉट माई फादर वॉज ट्राइंग टू टीच मी, जी एंड ही वॉक्स इन एंड ही सेड बेटा तूने कुछ सीखा, मैंने बोला नहीं डैडी जी मुझे नहीं कुछ समझ में आया, डैडी जी आज शाम का फ्लाइट है, मुझे सिर्फ 7,000 रुपये चाहिए, जी तो देन माई फादर जस्ट टुक माई होल्ड, ही कॉट माई हैंड माई आर्म्स लाइक दिस और मुझे गेट से बाहर निकाला, एंड ही सेड मैं मेरी दुनिया का आई एम अ किंग, और मुझे पता नहीं कि मेरा बेटा किंग बनेगा या किंग के लायक रहेगा, जी पर अगर जिस दिन तूने अपनी पहचान एटलीस्ट एक इंसान में भी बनाई इस 100 करोड़ में, तो उस दिन इस घर के अंदर आना, वाह एंड ही थ्रू मी, देन आई हैड माई जर्नी ऑफ माई 10 ईयर्स, एंड आफ्टर 10 ईयर्स माई फादर कम्स, ही वॉचेज माई फर्स्ट फिल्म, माई फर्स्ट डे शो, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट 10:30, जी दिस इज इन हैदराबाद बंजारा हिल्स सिनेमैक्स थिएटर, 10:30 को आई टेक हिम डाउन, आई टेल हिम डैड कम हियर, ही वेट्स आउटसाइड सिनेमैक्स थिएटर एंड देर आर स्टेप्स, आई आई वॉक डाउन एंड रोड के बीच में देयर इज अ डिवाइडर, आई गो एंड स्टैंड ऑन द डिवाइडर, यू वोंट बिलीव, इन 5 मिनट्स देयर वर मोर देन 7,000 पीपल हु वर I सराउंडिंग, do believe, yes. एंड दैट डे देन आई कॉल्ड माई डैड एंड आई टोल्ड हिम, डैड इफ यू वुडंट हैव टॉट मी दिस पाथ, दैट एंगर, दैट थिंग वुड हैव नेवर have come in my mind. I never had competition with Shah Rukh Khan or Ram Charan or Prabhas or you name the. जी I had my own fights to live my father's dream. My father shouldn't feel that no one has ever recognized me. जी So at least 10 लोगों में तो अपनी पहचान बनाऊं. So that was my passion. और आज माता रानी के आशीर्वाद से दुनिया में काफी लोग मुझे अच्छी से जानते हैं और काफी प्यार करते हैं, दो आई एम अ विलन, दो गलत काम करता हूँ स्क्रीन पे पर लोग बहुत प्यार करते हैं, सो दैट्स माय जर्नी, तो आपने कहा कि आप टेनिस प्लेयर हाँ टेनिस जी खेलते थे राइट? तो टेनिस से एक्टिंग का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आया? नहीं मैम, एक्चुअली आई वॉज इन कॉलेज, जी 10th के बाद आई वेंट आई ज्वाइंट सिम्बॉयसेस, एंड व्हेन आई ज्वाइंट सिम्बॉयसेस आई वॉज प्लेइंग टेनिस, एंड बिकॉज ऑफ टेनिस आई वॉज सुपर फिट, एंड बिकॉज आई वॉज फिट आई हैड एब्स, आई बिकेम अ मॉडल, सो जी आई वॉज द फर्स्ट गाय फ्रॉम पूना टू एंटर ग्लैटरैक्स मॉडल, जी बट अनफॉर्चुनेटली I was thrown out in the first round. जी So the failures were there. And tennis always kept me physically very fit. I was that six packs, what आज के दुनिया में people they say, it's all about discipline. जी
not only actors, even the common people who are watching your show or hearing you, जी I want to tell them that today you have good health, you will achieve everything. जी Because it makes you mentally so strong that you are able to fight your battle with the people. मैं और मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक्टिंग कहाँ से आपके दिमाग में आई? आप फिट थे, फिट के बाद मतलब एक्टिंग की तरफ आप कैसे गए? मतलब आपने थिएटर ज्वाइन किया या कोई स्कूलिंग की नहीं, या आपके अंदर था? मैंने थिएटर ज्वाइन नहीं किया. जी यस, मैंने प्लेटफॉर्म प्लेस किए. स्कूलिंग मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि स्कूलिंग इन 2000 इट वाज 25,000 रुपीज और 30,000 रुपीज फॉर एक्टिंग स्कूल. एंड फॉर अ कॉमन मैन लाइक मेरा प्योर पक्का देहाती पंजाबी बंदा, वो बोले हाँ अरे एक्टिंग का कोई पैसे दिंदा है? तो आई सेड दैट वी नीड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस एंड 30,000 इज अ लॉट बिकॉज ही यूज्ड टू गिव मी ओनली 500 रुपीज फॉर 1 वीक एक्सपेंस. जी सो इट इज लाइक 30,000 आई कुडंट ऑल्सो इमेजिन दैट टाइम. सो इट वॉज टफ बट आई डिड लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म प्लेज. स्टेज किया मैंने. स्टेज जी मीन्स पृथ्वी के बाहर रोड पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड. वी डिड लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्टर बनने का इट वाज नॉट लाइक आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर और अ स्टार. इट ऑलवेज वांटेड, आई हैड अ पैशन ऑफ लिविंग इन ड्रीम्स ऑलवेज. देवगिल जी हम आपसे आपके एक्टिंग के बारे में विस्तार से बात करते हैं, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं देवगिल जी से, जो कि मुंबई से, सपनों की नगरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि देवगिल जी बता रहे थे कि कैसे इनके फादर ने इनको समझाया। उनके समझाने का लहजा थोड़ा डिफरेंट था, पर उनका कहने का मतलब अगर बम्बईया भाषा में कहा जाए तो कहते हैं कि हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। तो वाह, ये जो है देवगिल जी, ये वहां से आए। तो देवगिल जी, हम आपसे बात कर रहे थे एक्टिंग के बारे में। आप बात कर रहे थे एक्टिंग के बारे में कि कैसे आपके जहन में आया कि आप एक्टर बनेंगे। पर उसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि एक एक्टर में तीन खूबियां कौन सी होनी चाहिए? मैम, एक एक्टर में तीन खूबियां: डिसिप्लिन, हार्डवर्क, जी ऑनेस्टी. जी ये तीन खूबियां। और क्योंकि ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क इज जी ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. क्योंकि जी एक एक्टर ही नहीं, आप इस दुनिया में आप आपका सपना पूरा करना चाहेंगे जी तो हर एक इंसान को ये तीनों चीजें लेकर अपनी जिंदगी की जंग लड़नी चाहिए. जी तो डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी मैम, कि क्या होता है, मेरे पिताजी ने मुझे ये तीन ही चीज सिखाई थी. जी आई स्टिल रिमेम्बर, जी तेरे सपने इतने बड़े हैं कि मैं भी नहीं सोचे थे कभी है. पर सपने सोच कोई गलत बात नहीं है जी नहीं और सपनों के लिए वर्क हार्ड करना जी ये हर एक इंसान करना चाहिए. जी अगर मैं सच्चाई से करूंगा, जी हार्डवर्क और डिसिप्लिन रहेगा जी उस जो भी मैं करूंगा. जी तो पिताजी बोलते हैं, दिस इज व्हाट माय फादर सेड. जी मैं क्या इस दुनिया में
माता रानी तेरे साथ तेरे सारे सपने पूरे कर देंगे। एंड बिलीव मी, आई एम माताज भक्त, मेरे सर पर माता का आशीर्वाद है। मैंने आई एम नॉट कनेक्टेड इन फिल्म इंडस्ट्री इन एनी वेज, जी बट सिर्फ श्रद्धा से जो भी चीज मुझे चाहिए मैंने श्रद्धा से उसको उसके पीछे मैं पड़ा हूँ जी और दिल से उसके लिए मैंने मेहनत की है और बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ उसको अचीव करने में, तो जी सभी चीजें मुझे मिली है। जी जी कहीं मैं सोचता हूँ अगर मुझे मैं आई एम जस्ट मैं साउथ इंडस्ट्री रूल करता हूँ एज एन विलन, तो सोचिए शाहरुख या द बिग स्टार्स, इनके पीछे कितने स्पेशल पावर्स है, हाउ डिसिप्लिन्ड एंड वेल फोकस दे आर, जी या एनी सक्सेसफुल पर्सन। जी आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों के पीछे भागना चाहते हैं, आपका विजन स्ट्रांग है कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचना ही पहुंचना है, और आपके पास आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद है, तो आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जैसे कि आपने कहा, हार्डवर्क हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं, करेक्ट? यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स कि अब लोग, मेरे फादर ने मुझे ये नहीं किया, ये मेरी माँ ने मुझे ये नहीं किया। आपके इस इंडस्ट्री में और आपकी जिंदगी में और कोई रोल मॉडल है जिसको आप माता रानी के बगैर, माता रानी तो जो सबके लिए हैं पर आपके लिए भी हैं, आप उनके भक्त हैं, इसके अलावा कोई रोल मॉडल आपकी जिंदगी में? मैम, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पर देयर इज अ गॉडफादर जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में नाम दिया। जी, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन एशिया, उनका नाम है SS राजमौली, राजमौली जिन्होंने बाहुबली और बहुत सारी फिल्में बनाई। ही वॉज अ मैन हु सॉ मी एंड ही सेड ही इज माय विलन। उनकी एक नजर ने मुझे, मैं एक सोडे की बॉटल था, जी, मुझे सिर्फ एक इंसान चाहिए था जो मुझे राइट वे में ओपन करे, जी, मेरे अंदर का लावा पर्दे पे मैं निकालूं, और वो इंसान मुझे देखा। उसके बाद तो बहुत लोगों ने फिर दे हैव यूज्ड मी, बट ही वाज अ मैन। तो आई आफ्टर माय पेरेंट्स, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया पर पहचान उस इंसान ने बनाई है, जी तो मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। जी आपने उन्होंने आपको मेन विलन का रोल दिया मधु मधु हीरा में, राइट? मधु मगध मगध हीरा मगध हीरा मगध हीरा या मगध हीरा में, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, तो क्या सफर रहा आपका उसमें और एक्सपीरियंस आपका वहां पर? आप तेलुगु बोल लेते हैं, फ्लुएंट तेलुगु बोलते हैं? नहीं। मेरा जिंदगी का जो सफर है, जब मुझे राजमौली साहब ने मुझे पिकअप किया जी, बॉम्बे से हैदराबाद ले गए, 1 साल हमने बहुत मेहनत किया। जी, उस मेहनत में मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं क्या बनने वाला हूँ, क्या होने वाला है। जी, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को जिंदगी किस मुकाम पे ले जाएगी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज जी कि जो इंसान ने मुझे यहाँ लाया है उसका नाम मैं खराब नहीं करूं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मुझे मुंबई के सड़क से किसी ने उठाया और लाके ऐसे प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया, वहां के सुपरस्टार के बेटे के साथ मुझे खड़ा रखा है। एक सरदार हूँ, हार नहीं मानता हूँ, शर्म नाम की चीज नहीं है, हार्ड वर्किंग लड़का हूं। तो मुझे लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे दिमाग में एक ही था कि जो इंसान ने मेरे पर जो विश्वास रखा है, उस विश्वास को मैं पूरा करूं। बिलीव मी, फॉर अ ईयर मुझे तो पता भी नहीं था मैं क्या शूट कर रहा जी। जब फर्स्ट टाइम मैंने पर्दे पे अपने आप को देखा, आई वॉज लाइक व्हाट द हेल एम आई दिस गाय, कैन आई बी सो बैड, कैन आई बी सो रूथलेस।
एंड लाइक आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आंखें बंद कर ली कि मेरे जी अंदर भी ऐसा जानवर है। जी हाँ, तो ये सो दैट वॉज इट। मुझे लगता है कि ये बचपन से जो बिल्डअप हुआ हुआ जो लावा था वो एक एक्टिंग के रूप हाँ में आपके बाहर आया और जो आपके लिए वो आपको हाँ कामयाबी जी के शिखर पर ले गया। हाँ जी। जी मैं अभी तक तो सिर्फ एज अ विलन, कामयाबी मेरे ख्याल से इसको कामयाबी नहीं कहना चाहिए। आई एम जी टू यंग बी सक्सेसफुल, बट यस दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम नॉट एन आई डोंट हैव अ फिल्म बैकग्राउंड। सो जी टू मेक माई बेस, वेन यू वर्क इन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयाली, हिंदी, यू लर्न सो मच एवरी डे दैट यू नो इट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी व्हेन माय फैमिली और माय किड्स कम इन दिस इंडस्ट्री, देन आई जी कैन से आई एम अ सक्सेसफुल। दिस इज जी जस्ट अ लर्निंग एक्सपीरियंस सिंगल पर्सन फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। सो बहुत कुछ सीखने मिलता है, इतने टैलेंटेड, हाउ दे बिहेव, जी डिसिप्लिन, ये जी बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। कहते हैं कि मंजिल जो होती है ना, मंजिल जो होती है वो कदमों से अभी दूर होती है, पर तसल्ली रखनी चाहिए कि कदम आपके साथ चल रहे हैं तो आप अपने वाह, मुकाम पर पहुंच ही जाएंगे। हाँ जी मैम, जी, और आपका कोई, जब आपको मौली जी ने लिया, हाँ जी क्या आपके दिमाग में आया मैम। कि मुझे जब राजमौली साहब ने लिया था, मुझे मेरे जी दिमाग में कुछ नहीं था, जी मेरे जहन में ऐसा था नहीं कि आई माइट बिकम अ स्टार। इतना फेलियर 10 साल झेल लिया था, जी तो जिंदगी सक्सेस नाम पता नहीं था। जी बट यस, ये सुना था कि एक फ्राइडे एक इंसान की किस्मत बदल देता है, पर कभी वो जी फ्राइडे नहीं देखा था। जी अमिताभ जी ने कहा था, कमल हसन ने कहा था, एक जी फ्राइडे ने मेरी जिंदगी बदल दी, पर राजमौली साहब के साथ मैंने वो फ्राइडे देखा है। आपकी जिंदगी बहुत बहुत खूब। और आपके, जब आपने ये पिक्चर खत्म कर दी और ये पिक्चर सुपरहिट पिक्चर हुई, राइट? हाँ जी, तो उसके बाद आपका सफर, कौन सी दूसरी पिक्चर आपको किसी अनदर डायरेक्टर ने हायर किया? आप हाउ सेटिस्फाइड आर यू इन विद योर विलन रोल, नेगेटिव करेक्टर में? मैम विच एवर फिल्म्स आई हैव डन लाइक सुरा विथ विजय, यू जी नेम द फिल्म्स, पुला रंगाड़ू, ऑल माय फिल्म्स आर ब्लॉकबस्टर्स, जी बट आफ्टर मागधीरा इट वाज सुरा विच आई रियली लाइक्ड। जी देन आई डिड वन फिल्म कॉल्ड पुला रंगाड़ू जी और बिकॉज, जी और एक एक फिल्म की थी भाग मिल्खा भाग। जी मैं उसी पर आने वाली थी। जी वो जो किरदार था, ही इज नॉट थ्रू आउट, जी पर जो भी एक 10 मिनट या 7 मिनट का किरदार है, अपना वजूद छोड़ने में इतना स्ट्रॉन्ग था। आई एम हैप्पी लाइक यू नो जी माई पर्सनैलिटी, माई आईज, राकेश ओम प्रकाश मेहरा वॉज एन, आफ्टर राजमौली आई सॉ वन मोर प्रोफेशनल डायरेक्टर, दैट इज राकेश ओम प्रकाश मेहरा। जी तो उनके साथ आपकी कौन सी पिक्चर थी? भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। जी फरहान अख्तर के साथ। जी फरहान अख्तर थे उसमें। तो आपका घर से चलने का सफर मुंबई तक, 10 साल आपने आपने कहा कि आपने स्ट्रगल की। स्ट्रगल इज अ नेसेसरी फॉर अ एक्टिंग लाइफ? पेन इज नेसेसरी फॉर एक्टिंग लाइफ। पेन इज अ नेसेसरी फॉर द एक्टिंग लाइफ। हाउ विल यू इमोट जी जब तक आप घायल जख्मी नहीं होंगे, तो आप जी अपना वजूद
जूद नहीं बना पाएंगे। जी। एवरी टीन एजर हु वॉन्ट्स टू लिव हिज ड्रीम शुड डू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं देवगिल जी से, सपनों की नगरी मुंबई से, और इनसे इसी तरह गुफ्तगू जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जुड़े हुए हैं देवगिल जी से, सपनों की नगरी मुंबई में, तो देवगिल जी, हम आपसे ये पूछते हैं और हमारे दर्शक भी चाहिए, अगर देवगिल आज एक्टर ना होता तो क्या होता? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। तो हाँ इसीलिए जी, आपने अपने आप को फिटनेस क्रग में रखा हुआ है। आपके फिटनेस का रोल मॉडल कौन है एक्चुअली? एक्चुअली आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, जी तो दैट इज एनी फॉर्म ऑफ सेवा, जी बी अ पुलिसमैन और अ आर्मी गाय। जी सो इट वॉज ऑलवेज देयर इन माई माइंड दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, जी and that I try to put in my child's mind also that we sh I want that you should do something for the country. Means people अपने खानदान अपने परिवार का नाम रोशन करने में तुले हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरे देश का नाम कैसे रोशन करूँ। जी तो जी दिस माय फादर इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन कनेक्ट हाउ ही इज He feels very proud about the soil. मिट्टी को उनके लिए मिट्टी बहुत कीमती है। जी He tells me. पंजाबी बैकग्राउंड, पंजाब से हम, और सबके लिए है। मेरे ख्याल में पंजाब की अकेले बात नहीं करती, कोई भी हर एक मुल्क हर एक हो, किसी भी मुल्क के लोग हों, अगर हम देख लें, बंगला देख लें, पाकिस्तान देख लें, अब यूएस से देख लें, या किसी भी, कोई सबकी भी अपनी अपनी, जी सबकी अपनी मिट्टी है और उसको प्यार करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है लुक एक एक्टर के लिए? मैम, ये जो सवाल आपने किया है, जी लुक आप यू कीप ऑन चेंजिंग एंड कन्वर्टिंग योरसेल्फ एंड जी गॉड हैज मेड यू इन अ सर्टेन वे जी एंड यू आर देयर, इफ यू मेंटेन इट आप शाहरुख खान बन जाते हो, जी इफ यू a villain and if I don't maintain myself जी then I'll become a fat villain, जी but I have such a big future where I can come as a hero also, so जी be working as a villain has never depressed me, ya main meri bhook kam nahi hui, जी maine sare states mein as a villain kaam kiya hu, जी तो थोड़ा सा ग्रीडी हो गया हूं और थोड़ा सा कि ये भगवान आपने सब कुछ दिया है। शैलेश, सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं देवगिल जी से और उनसे बातें कर माय रहे हैं। डॉग्स, नो वरी बात। जी सो लुक इज It all depends on a person, how he transforms himself. Ma'am, today when I see you, you're one of the most beautiful women with so much energy. You are so disciplined. You have transformed yourself. It's very important that every person shouldn't give up. They should live their dreams. Now you love what you are doing. You're Yes. living your dreams. Yes. He's so disciplined, punctual, so pretty you are. Thank so you. So I feel that I shouldn't be satisfied with what I have. Yeah, but ek baat aur Shahrukh Khan. Ji, one more thing he said about the look when I was saying is that aap isme thoda different mujhe bataiye ki agar aapki look bahut achhi hai and then you speak
Not right. So what is worth it, look or your speech? Destiny, kismat, naseeb. Ji. Everything is naseeb. Ji. Ji. Aapka look ho ya na look ho ya kharab ho. Ji. Par hard work, dedication, ye sab hona bahut zaruri hai. Aur fit rehna bahut zaruri hai. Ji. Agar aapke naseeb mein likha hai. Ji. But yes, look will be a plus point. Log aapko zyada chahenge. ज्यादा प्यार करेंगे और लुक रहने के लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. आपकी आने वाली फ्यूचर में पिक्चर्स मैम बहुत सारी है. सुल्तान मिर्जा हिंदी फिल्म मैं कर रहा हूँ. मेरी एक दो तेलुगु पिक्चर है, दो तमिल, दो कन्नड़ा पिक्चर है जी. और I might sign a Marathi film also very soon. जी. And in सब pictures में आपके negative role हैं? Yeah. कहीं positive भी हैं? नहीं, I'm playing anti-hero. I don't play negative. Negative. I play anti-hero roles. Anti-role. Okay. Anti-hero role. जी. I'm a good looking villain. So. So they are very nice directors who cast me like a hero. They make me feel. Jee. It's like I do a lot of Shah Rukh Khan kind of roles, triangle love stories. जी. आपके पास हिंदी फिल्म कोई आप जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपके साथ है कोई? मैम हिंदी फिल्मों में मेरी अभी बातचीत चल रही है. मैंने अभी डॉटेड लाइन पे कुछ साइन नहीं किया है, बट देयर आर लॉट ऑफ वेब सीरीज व्हिच आर दे आर बीन अप्रोचिंग मी. जी जी. अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस. बट अभी जो ये अभी ये जो कोरोना का माहौल है, ये इस पे इफेक्ट पड़ा आपकी पिक्चर्स के लिए कि आप स्टिल बिजी विद योर शूटिंग एंड? डेफिनेटली कोरोना के कारण बहुत कुछ इफेक्ट हुआ है. बहुत सारे फिल्म रुक गए. दे विल स्टार्ट इन फेब्रुअरी. सो वी आर नाउ लॉट ऑफ न्यू वेब सीरीज हैव स्टार्टेड. जी बिकॉज़ दे डोंट वांट टू फोकस ऑन थिएटर्स. एक स्ट्रगल टाइम में इंसान जो है ना वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है. मैं यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ भी ये, उसके लिए डिप्रेशन मंत्रा क्या है आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए? क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो आने वाले न्यू कमर हैं, जो अपनी जिंदगी के सपने लेके मुंबई आते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो करें? पहले बात डिप्रेशन क्या है, आई रियली डोंट नो. यस आई डू फील लो एट टाइम्स. But just see the what beautiful life God has given. From nowhere you achieve everything. जी. जो state में कोई कुत्ता नहीं पहचानता है वहाँ लोग भाग रहे आपके पीछे. जी. It's I don't know why people get depressed. There are people they say I'm you know I feel as if I'm depressed. I don't understand why. जी. I can't relate this word depressed. पाठ करो, पूजा करो, मंत्र पढ़ो, जोर जोर से भगवान के साथ लड़ाई करो, प्रश्न पूछो, क्वेश्चन पूछो भगवान को, माता रानी को पूछो क्यों, और देखना जिंदगी अच्छा है चकाचक. मैं तो ये लॉकडाउन में इतना पाठ पूजा किया, जो मुझे टाइम नहीं मिला वो सब मैंने रोज. सी कनेक्टिंग टू गॉड, दैट इज व्हेन यू आर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग. There is an aura which protects you. जी. And you just do your things. I think so everything will be sorted. जी. Depression, don't get into comparison. यार वो शाहरुख खान है, मेरे को शाहरुख खान. There you will start negativity. जी. Negativity रहेगा, depression आ जाएगा. जी. तुम्हारे माँ बाप ने आपको पैदा किया है, कुछ करो. अगर नहीं कर पाते उसके पीछे भी रीजन रहेगा. गॉड हैज इफ ही इज नॉट गिवन इट टू यू देयर माइट बी समथिंग एल्स वेयर यू विल मेक इट बिग. यस यू हैव टू जस्ट वर्क.
डोंट गेट डिप्रेस्ड, आई वॉन्ट टू टेल द पीपल डोंट गेट इन टू कंपेरिजन, जी जी मैटर वहां पर है, मैं यहाँ पे कंपेरिजन। जी आपको डिप्रेशन क्या फर्स्ट स्टेप है, जी योर डाउनफॉल स्टार्ट्स नेगेटिविटी। व्हेन यू हैव नेगेटिविटी अराउंड यू, यू विल नेवर ग्रो इन योर लाइफ। राइट जलन बोलते हैं उसके उसे। जी। जैसा कि आपने देखा, हम जुड़े हुए हैं देव जी से, मुंबई से। एक बच्चा जिसको उनके फादर ने वहां पकड़कर घर से बाहर का रास्ता दिखाया और वो आज एक स्टार है। कितने माँ बाप वो कितने प्राउड होंगे अपने बच्चे के लिए, तो उनकी काबिलियत पर। और समय के हम पाबंद हैं, और आज हमारा आपसे अभी विदा लेने का टाइम आ गया। आपका समय के लिए, इतने बिजी समय के लिए हम आपका शुक्रिया, हमारी टीम आपका शुक्रिया करती है, तहे दिल से शुक्रिया करती है। तमन्नाओं से भरी हो आपकी ज़िंदगी, तमन्नाओं से भरी हो आपकी जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो आपका पल। दामन भी छोटा लगे इतना, दामन भी छोटा लगे इतना, खुशियां दे आपको ये आने वाला कल। इसके वाह, साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें अपना टाइम दिया, अमूल्य टाइम दिया इस माहौल में, जित बिजी स्टाइल में। थैंक यू वेरी मच। और आप सबसे भी हम विदा लेते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से बचते रहिए, मास्क लगाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत। एक इंसान अगर घर में कोरोना लेकर आता है तो माँ बाप पे इफेक्ट होता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू यू देव वेरी जी। वेरी मच। आपको और आपके पूरे दर्शकों को, यू नो, आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड योर टीम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयर माय एक्सपीरियंस। एंड आई विश आई कैन इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, नॉट ओनली इंडियंस, एनीवन ऑन दिस अर्थ, हूएवर इज लिसनिंग टू यू, दैट लिव एंड बिलीव इन योर ड्रीम। थैंक यू मैम यस अगेन, एंड टू योर एंटायर टीम लॉट्स ऑफ लव। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैनू तो ऐसा लग गया मैं मेरे किसी रिश्तेदार नाल गल कर रहा हूँ। थोड़ी पंजाबी और थोड़े अंदर द ह्यूमन ह्यूमन टच। और वापस थोड़े सारे दर्शकों नू आई वांट टू टेल देम आई एम सॉरी आई गॉट लेट, ओदे वास्ते मैनू माफ कर दो। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, एंड we'll see you any another episode. Definitely. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Bye.